बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। दिल्ली पुलिस ने अभिनेत्री सोनम कपूर के दिल्ली आवास पर काम करने वाली एक नर्स को उसके पति के साथ 2.4 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि चोरी फरवरी में अमृता शेरगिल मार्ग स्थित घर में हुई थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार अर्पणा रूथ विल्सन नाम की नर्स अभिनेता की सास प्रिया आहूजा की देखभाल करती थी जो घर में रहती थी। अपर्णा के पति नरेश कुमार सागर शकरपुर की एक निजी फर्म में अकाउंटेंट है। दंपत्ति सरिता विहार में रहते हैं और नर्स और होम मेडिकल केयर असिस्टेंट के रूप में काम करती है। मंगलवार रात को छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि चोरी 11 फरवरी को हुई थी और 23 फरवरी को FIR दर्ज की गई थी जब तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दी गई थी। मामला इंडियन पैनल एक्ट सेक्शन 381 के तहत दर्ज की गई थी। शिकायत घर के मैनेजर ने दर्ज करवाई थी जो सोनम और उनके पति आनंद आहूजा का है। घर में अर्पणा रूथ विल्सन समेत 20 लोग काम करते हैं। पुलिस उपायुक्त अमृता गुगलोत ने कहा कि संदिग्ध अर्पणा ने लंबे समय तक घर पर काम किया है जिससे उसे वहां कीमती सामान मिल गया। उन्होंने कहा विल्सन ने कई मौकों पर मरीज की जरूरत पर होम केयर ड्यूटी की है। मरीज के करीब रहने के कारण गहने आरोपी ने चुरा लिए और बाद में उसके पति को दे दिया। उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पोर्टल के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नई दिल्ली जिले की विशेष कर्मचारी शाखा की एक टीम के साथ मंगलवार रात सरिता विहार में छापेमारी की। उन्होंने विल्सन और उसके पति दोनों को पकड़ लिया। वो महज 31 साल के हैं। हालांकि पुलिस के बयान के अनुसार चोरी के आभूषण और नकदी अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ने मामले की जांच के लिए नई दिल्ली जिले की एक विशेष स्टाफ शाखा को ट्रांसफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है। सोनम और आनंद घर में नहीं रहते क्योंकि वो अपना समय मुंबई और लंदन के बीच बिताते हैं। पिछले महीने सोनम ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी। 21 मार्च को सोनम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पति आनंद आहूजा के साथ तस्वीरें शेयर की थी। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।